सो गाइस आप जीपी रेटिंग करते हो तो आपको एसटीसीडब्ल्यू के भी कोर्स करने पड़ते हैं, या तो फिर आप अलग से ओपन सीटीसी के लिए एसटीसीडब्ल्यू करते हो तो आपको ई लर्निंग करना पड़ेगा। सो ई लर्निंग में आपको क्या कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इंस्टीट्यूट तो पढ़ाएगी आपको, ऑफलाइन क्लास लेगी ही, लेकिन आपको ई लर्निंग भी कम्प्लीट करना है साथ साथ। सो गाइस हम बहुत ही मतलब टाइम निकालना पड़ता है ई लर्निंग के लिए, पूरा पूरा मोबाइल ऐसे ही रख देना पड़ रहा है। सो मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। सो मैं अभी ओक्टो कर रहा हूँ, तो ओक्टो का भी ई लर्निंग 28 घंटे का, सो वो तो मैं कर लिया 28 घंटे का ई लर्निंग पूरा। अभी गैस टैंकर का मेरे को करना है तो वो 20 घंटे का है। सो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आप डीजी की साइट पे जाओगे, सो डीजी शिपिंग लिखोगे। सो डीजी शिपिंग लिखने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, तो फर्स्ट वाला जो है वही आप ये लिंक है। सो डीजी की ये साइट खोलना है आपको, और ये खुलते ही इस पर आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे। सो आपको ये कुछ नहीं देखना है अभी, आपको सिर्फ ई लर्निंग करना है। सो आप ई लर्निंग देखोगे तो इधर दिखेगा आपको ई लर्निंग। सो ई लर्निंग पे क्लिक करते ही आप अंदर घुस जाओगे। सो अंदर देखोगे तो आप ये मॉड्यूलर कोर्स थर्ड नंबर वाला है ना, सो उस पर आप क्लिक करोगे। सो क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, तो डायरेक्ट लॉगिन तो हम नहीं कर सकते क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जब कर रहे होगे तो आपको पहला ईमेल आईडी पासवर्ड आएगा। अगर आप अगर आप फर्स्ट टाइम बुक कर रहे हो कोर्स मतलब, तो आपको एनरोल करना पड़ेगा। एनरोल करके उस कोर्स को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट देखिए इंडोस नंबर जो आपका होगा आपको वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगी, तो आपको वो इंडोस नंबर डालना है। सो ये मेरा इंडोस नंबर है, और इंडोस नंबर डालते ही आपको फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो डेट ऑफ बर्थ आप डाल लीजिएगा। सो मेरा दोस्त अभी जीपी कर रहा है टीएस रमन में, तो वो बोल रहा था कि मेरे को ये सिखा दे भाई जल्दी, हमारा एसटीसी स्टार्ट होने वाला है एसटीसीडब्ल्यू। सो मैं बोला चल वीडियो बना के तेरे को दिखा देता हूँ और रख देता हूँ यूट्यूब पे। सो ये सब कोर्स है, ईएफए फिर एफपीएफएफ है, फिर उसके बाद पीएसएसआर है, फिर पीएसटी है, फिर ये जो गैस टैंकर वाला है, फिर उसके बाद ओक्टो का है। सो मैं ओक्टो का किया था, तो मैं ओक्टो का सिलेक्ट, आप जो कोर्स करना चाहते हो वो एक सिलेक्ट करके आपको वो बारी बारी आपको करना है भाई, यही एनरोल करके फिर अंदर आके एक टाइम पे एक ही कोर्स होगा तो आप बारी बारी कर सकते हो। सो ये कैप्चा डाल लेता हूँ। सो मैं ये सिलेक्ट किया था, ओटीएफसी तो मेरा हो चुका है ओक्टो, अभी मैं जाने वाला हूँ इंस्टीट्यूट ओक्टो करने के लिए, ई लर्निंग मेरा हो गया है। सो ये आप देख लीजिए, और ये कैप्चा डालना रहे। सो मैं अभी गेस्ट टैंकर का करने वाला हूँ, ओक्टो हो चुका है। सो मैं ये सिलेक्ट करके ये एक बार चेक करने का बोल रहा है जो आपका डिटेल रहता है वो। सो डिटेल जैसे ही चेक करते ही आप सबमिट कर देना। सो मैं चेक कर चुका हूँ, सो मैंने सबमिट किया, थोड़ा टाइम लग रहा है अभी। सो ये एनरोलमेंट सक्सेसफुल आपको मेल आ जाएगा, तो आपको मेल आएगा उसमें जो कोर्स आपका बुक हुआ है उसका डिटेल होगा, और इसका पासवर्ड और आपका यूज़र नेम वो सब आ जाएगा। सो यहीं पे आपको लॉगिन करना रहेगा। सो यहीं डायरेक्ट मैं लॉगिन पे चला जाता हूँ क्लिक करके। ये मेल है, देखो मेल देख लीजिए आप, ऐसा मेल आएगा तो सही है फिर, तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। सो ये लॉगिन पेज है, तो इसमें जो आपका मेल आईडी होगा वही मेल पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों आ जाएगा। सो मैं वो डाल लिया हूँ, मेरा ऑटोमेटिक है। फिर ये देखिए कैप्चा डाल रहा हूँ। सो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको बोलेगा 5 मिनट के बाद लॉगिन करना, इस टाइम से इस टाइम के बीच 5 मिनट के बीच। सो मेरा 23 मिनट हो चुका है, मतलब 23 को बोला था उन्होंने, तो 23 हो चुका है, 8 और 23। सो अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ। सो जैसे ही आप कैप्चा डालोगे तो आपका जो फेस वेरिफिकेशन मांगेगा, आपके फेस से ही आप ई लर्निंग कर सकते हो, किसी और का कोई और नहीं कर सकता आपका ई लर्निंग। सो ये जैसे ही फेस वेरिफिकेशन होगा तो देखो ये ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ये जो कोर्स मैंने सब कर लिया है, 6 कोर्स हो गया है मेरा, सिक्योरिटी का हुआ है, 4 BST का हुआ है, और 1 ओक्टो हुआ है, और अभी ये गेस्ट टैंकर वाला अभी बाकी है इसका ई लर्निंग। ओक्टो का मेरा ई लर्निंग हो गया है, अभी मेरे को कोर्स करना बाकी है, 10 तारीख को मैं जाने वाला हूँ मुंबई। सो इसका चलो फिर ये देखिए ऐसा एसटीएसडी है, एफपीएफएफ है, वो सब 100% मैंने ई लर्निंग कर लिया है, और उसका असेसमेंट भी दे दिया। असेसमेंट मतलब एक टेस्ट होता है, उसमें आप कितना भी ट्राई दो चलता है, उसमें फेल होने का कोई वो नहीं है। फेल होते हो फिर आप ट्राई दो, 30 में से 15 मार्क लाना रहता है।
सो ये गैस टैंकर वाला। सो गैस टैंकर पे हमको ई लर्निंग करना है 20 घंटे का। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा 20 घंटा आपको किधर दिखाएगा, कितने घंटे का, कौन सा कोर्स है वो। सो ये सब टॉपिक है। सो ये टॉपिक में देखिए आप, ये सब टॉपिक है, आपको ये सब कवर करना है तभी आपका 100% होगा ऊपर ई लर्निंग। 100% 90 से 100% करना है तो फिर आप 100% कर लीजिए भाई। इधर नेक्स्ट दबाओगे सो अगला पेज खुलेगा। सो ऐसे ऐसे वो सब मेन मेन टॉपिक जो साइड में दिखा रहे थे यही नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको वो सब टॉपिक कवर हो जाएंगे। सो ये क्विज भी बीच में आता रहेगा कहीं कहीं। सो ये आपने पढ़ाई किया है नहीं किया है वो आपको कंफर्म करवाता है। सो ये क्विज आपको देना है तो दे सकते हो, नहीं देना है तो भी चलता है। सो मैं अभी नहीं दे रहा, अभी क्लोज कर रहा हूँ। और भाई देखिए ई लर्निंग करना, वो पूरी पूरी रात रख देते हम मोबाइल को ऐसे ही, मतलब भाई थक जाते ई लर्निंग करते करते, क्योंकि बहुत सारे घंटे 12 घंटे 6 घंटे 9 घंटे, फिर ये तो 28 घंटे का ऑक्टो था, फिर ये 20 घंटे का है। सो ये परसेंटेज इधर दिखाएंगे कि आपने कितना परसेंट ई बुक आपने कंप्लीट किया है नेक्स्ट कर करके। सो आपको उधर 100% करना है। सो मैं इधर होम जाके अभी मैं आपको बताऊँगा, बाहर से असेसमेंट हो रहा है, सब रिपोर्ट दिखा रहा है वो। सो इधर आप देखोगे रिपोर्ट पे, सो रिपोर्ट पे आप ये ओपन करोगे। अगर ये आपका ओपन ना हो तो आप क्रोम को अपडेट कर देना, सो ये ओपन होने लगेगा। ओपन फिर भी ना हो तो क्लोज, वो ऊपर से क्लोज करके फिर से जाएगा। ये देखिए अभी तक मैंने 1 मिनट कवर किया है, 1 मिनट मैंने ई लर्निंग किया है। ये नीचे देखना 20 घंटा लिखा रहेगा, एक ही टॉपिक और 1 मिनट मैंने वो भी कवर किया है उस पर। सो ये देखिए नीचे ये गैस टैंकर, ये 20 घंटा दिखा रहा है इसमें। और ये देखिए, ये अगर असेसमेंट मैंने दिया रहता होता तो इधर लिखा रहता पास है फेल है वो सब बराबर। सो इसको इधर क्लोज कर दीजिए और रिफ्रेश मार दीजिए तो वैसा इंटरफेस खुल जाएगा जो पहले था। सो इस पे ये असेसमेंट देना रहता है, असेसमेंट एक जगह का टेस्ट रहता है जो आप इधर लिखा है 90% आपका होना चाहिए, ई बुक कम्प्लीट होना चाहिए और 28 घंटे या फिर जो भी घंटा उधर कम्प्लीट करना है 20 घंटे, जितना घंटा वाला आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हो उतना घंटा आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप असेसमेंट दे सकते हो। असेसमेंट एक 30 मार्क का टेस्ट रहता है, उसमें आप 15 ला सकते हो, 15 लाने से आप पास हो गए। सो आप अगर इसमें फेल हो जाते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसमें आप कितना भी ट्राई दे सकते हो, 10-15 जितना भी देना है उतना। मेरा एक अटेम्प्ट में कम्प्लीट हुआ था तो एक अटेम्प्ट इसमें दिखा रहा है। सो देखिए इधर भी ये मेरा जो कम्प्लीट हो गया है उसका असेसमेंट, उसका रिपोर्ट देखना हो तो आप ऐसे देख सकते हो। ऑक्टो का भी रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये ओपन किया, ये देखो 28 घंटे में कंप्लीट किया था, टोटल घंटे इधर दिखाते हैं कितना आपने कंप्लीट किया है वो। सो इसको आप नीचे करोगे, सो ये देखो इधर दिखाएगा आपको कितना घंटा कंप्लीट करना है और आपने जो असेसमेंट दिया उसमें पास है फेल है क्या है वो सब। तो देखो इसमें 28 घंटे लिखा हुआ था, ये मेरा रिजल्ट पास इस तरह से दिखाएगा आपको। सो आपका वो कंप्लीट हो चुका है ई लर्निंग, इसका मतलब ये हुआ। फिर इसको क्लोज करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो फिर से वही पेज में आ जाऊँगा। सो यही है भाई ई लर्निंग कंप्लीट करना है। सो यही था वीडियो ई लर्निंग कंप्लीट करने का। और गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।